हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, मैं आज आप लोग के लिए क्लास 9 मैथमेटिक्स फर्स्ट एग्जाम के लिए लेकर आए। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 बताने वाले हैं मैथमेटिक्स में। ओके, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का वीडियो बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 को कवर करने वाले हैं। इससे जितना क्वेश्चन बनेंगे हम लोग सब एमसीक्यू के रूप में करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ओके, हम लोग आज पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। अगर हम लोग इंट्रोडक्शन जान लेंगे, इसका सूत्र अगर बहुत कुछ अगर अगर जान लेंगे, तो आप क्वेश्चन को देखते ही आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। यह चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। अगर यह चैप्टर जो हम इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको बिल्कुल कॉपी और पेन की जरूरत नहीं होगी, आप ऑप्शन देखते ही मान लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले हम लोग एक्स अक्ष और वाई अक्ष से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वह पहले हम लोग जान लेते हैं। ओके, देखिए हम लोग जानते हैं कि ये आपका एक्स लाइन है। ओके, देखिए ये आपका एक्स डैश हो जाते हैं और यहाँ पर आपका एक्स हो जाते हैं, यहाँ पर वाई हो जाते हैं और यहाँ पर वाई डैश हो जाते हैं, क्योंकि जो माइनस वाला होते हैं वो डैश होते हैं। ओके, ये आपका मूल बिंदु हो गया और मूल बिंदु को जीरो से सूचित किया जाता है। ओके, तो चलिए इधर आपका माइनस हो जाते हैं, हम 1-2 नंबर देकर आपको दिखा देते हैं। ओके, देखिए ये आपका माइनस 1 हो गया, ये माइनस 2 हो गया, माइनस 3, फिर उस तरह माइनस 1, माइनस 2 और माइनस 3, ये आपका प्लस 1, प्लस नहीं लिखा जाता है, प्लस 1, प्लस 2, प्लस 3, फिर प्लस 1, प्लस 2 और प्लस 3। ओके, तो देखिए ये आपका 4/4 में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसको हम लोग फर्स्ट चतुर्थांश के रूप में लिखते हैं। इसको फर्स्ट लिखा जाता है, इसको सेकेंड लिखा जाता है, इसको थर्ड लिखा जाता है और इसको फोर्थ चतुर्थांश लिखा जाता है। ओके, तो देखिए ये प्लस और प्लस है, इसको प्लस और प्लस के रूप में चिन्हित किया जाता है। ओके, देखिए सबसे पहले एक्स को लिखा जाता है, उसके बाद वाई को लिखा जाता है। जैसे आप लोग को दे देंगे 4 और 5, इसमें से आपको बताना है कि एक्स कौन है और वाई कौन है। तो देखिए फर्स्ट वाला आपका एक्स हो गया और सेकंड वाला वाई हो गया। ओके, जब हम लोग क्वेश्चन की ओर कवर करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें प्लस और प्लस होते हैं, देखिए ये माइनस है, यानी फर्स्ट एक्स वाला लिया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा माइनस और प्लस। ओके, देखिए ये दोनों तरफ माइनस माइनस है, आपका इसमें हो जाएगा माइनस और माइनस। अब देखिए माइनस और माइनस, देखिए इसमें एक्स, एक्स आपका प्लस है, यानी फर्स्ट होंगे प्लस, उसके बाद माइनस। ओके, से ये होगा फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो चलिए इसको हम लोग बोलेंगे वाई अक्ष। ओके, इसको बोलेंगे हम लोग वाई अक्ष और इस लाइन को बोलेंगे हम लोग एक्स अक्ष और यहाँ पर मूल बिंदु। अब हम लोग जान लेते हैं कोटि किसको बोला जाता है और हम लोग का भुज किसको बोला जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख कर दिखाते हैं। फिर देखिए गाइस, हम लोग नेक्स्ट हम लोग 6-4 पॉइंट लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगर ये पॉइंट आप ख्याल रखते हैं तो ये मैथ यानी निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटेड आप सिर्फ देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का कॉपी और पेन नहीं चाहिए। तो चलिए ये पॉइंट हम लोग याद रखते हैं। ओके, देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट है कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो आपका 0। देखिए ये जो मूल बिंदु कटान है वो 0 और 0 है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्स अक्ष की दूरी को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष की दूरी को कोटि कहलाते हैं, आप लोग उतना ध्यान रखना है। फिर वाई अक्ष की दूरी को क्या कहलाते हैं, तो देखिए वाई अक्ष की दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। ओके, फिर देखिए एक्स निर्देशांक को क्या कहलाता है, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और उसका उल्टा वाई के निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ओके, और लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो आपको मूल बिंदु ख्याल रखना है। चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन को, जैसे कि आप बोर्ड पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। अभी हम जस्ट बोले एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। देखिए मूल बिंदु ऑप्शन किस में है, मूल बिंदु 1 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, यानी 1 का सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा 3 नंबर। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन पूछे हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु के निर्देशांक के रूप में होंगे। चलिए पहले हम लोग समझते हैं, पहले हम लोग एक्स
हम लोग कोई मान ले लेते हैं, चलिए यहाँ पर चार ले लेते हैं, यहाँ पर पाँच ले लेते हैं। अगर हम आपसे पूछेंगे कि एक्स कौन है और वाई कौन है, तो देखिए हमेशा आप जवाब दीजिएगा कि फर्स्ट वाला एक्स होते हैं और लास्ट वाला वाई होते हैं। ओके, फर्स्ट वाला एक्स और लास्ट वाला चाहे कुछ भी मान दिया रहेगा। तो आपका क्वेश्चन बोल रही है एक्स अक्ष पर एक बिंदु के निर्देशांक है, एक्स अक्ष बोला है। ओके, तो एक्स अक्ष बोला है तो फर्स्ट में हम लोग एक्स ले लीजिए और देखिए अब कुछ नहीं है, लास्ट में सिर्फ हम लोग जीरो ले लीजिए। तो एक्स अक्ष पर हो जाएंगे एक्स और जीरो, तो एक्स और जीरो कहाँ है, देखिए आपका सही उत्तर हो जाएंगे चार नंबर, यानी दो का सही उत्तर होंगे आपका चार नंबर। ओके, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर तीन की ओर कि अवाय अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो निर्देशांक के रूप में है। देखिए अवाय अक्ष, अवाय अक्ष माने फर्स्ट होता है एक्स और लास्ट होता है वाई, तो आपको अवाय अक्ष बोले हैं यानी एक्स का मान आपका जीरो हो जाएगा। तो देखिए जीरो यानी तीन नंबर बता रहे हैं, जीरो और जहाँ अवाय होंगे वही आपका हो जाएगा तीन नंबर आंसर। तो देखिए जीरो और अवाय तीन का आपका हो जाएगा दो नंबर। ओके, चलो फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर बोल रहे हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। देखिए अभी आप लोग को बताए हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक जब भी पूछेंगे आपको जीरो और जीरो आपको उत्तर देना है। देखिए चार का उत्तर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर, यानी एक नंबर हो जाएंगे उत्तर। ओके, चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर पाँच की ओर। देखिए पाँच नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को क्या कहलाते हैं। अभी हम बताएं एक्स अक्ष की बिंदु की दूरी को क्या कहलाते हैं, एक्स अक्ष की दूरी बोल रहे हैं यानी आपको कोटि कहलाते हैं। तो देखिए आपका कोटि किस में उत्तर है, आपका पाँच का एक नंबर हो जाएगा। ओके, पाँच का सही उत्तर हो जाएंगे एक नंबर। चलिए अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर सिक्स से कर, सिक्स से बोला अवाय अक्ष की बिंदु की दूरी को क्या कहलाते हैं। देखिए अवाय अक्ष की दूरी को क्या कहलाते हैं, अवाय अक्ष की दूरी को आपको कोटि कहलाते हैं। देखिए सिक्स नंबर में आपका हो जाएगा ए नंबर। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हैं। चलिए ये वाला अगर आप सीख लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की कॉपी और पेन की जरूरत नहीं है। ओके, ये वाला आपको याद रखना है। चलिए फिर बढ़ते क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर। देखिए सेवन नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं एक्स निर्देशांक को क्या कहलाते हैं, एक्स निर्देशांक को क्या कहलाते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज कहलाते हैं। देखिए सेवन का उत्तर हो जाएंगे एक नंबर, यानी राइट आंसर इज नंबर वन। ओके, एक्स निर्देशांक को भुज कहलाते हैं। फिर देखिए एट नंबर क्वेश्चन दे रखे हैं कि अवाई अच्छा यानी अवाई निर्देशांक को क्या कहलाते हैं। देखिए अवाई निर्देशांक कोटि कहलाते हैं, यानी राइट उत्तर हो जाएगा आपका कोटि। ओके, चलिए फिर बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन नंबर। नाइन नंबर को क्वेश्चन दे रखे हैं कि निर्देशांक दो माइनस तीन का भुज क्या होगा। देखिए आपको भुज पूछे हैं। ओके, देखिए नाइन नंबर आपको लिख कर दिखाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर बढ़ते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं निर्देशांक दो और माइनस तीन का भुज क्या है। ओके, आपसे भुज पूछा है। चलिए हम लोग जानते हैं कि ये आपका एक्स हो गया और ये आपका वाई हो गया और आपसे पूछा है भुज, निर्देशांक का भुज पूछे। तो देखिए निर्देशांक आपका भुज, भुज किसका आता है, एक्स का आता है। ओके, निर्देशांक का भुज एक्स यानी एक्स हो गई है, आपका सही उत्तर हो जाएंगे दो नंबर। देखिए नाइन का दो किसमें उत्तर है, आपका नाइन का हो जाएंगे दो। ओके, यानी दो आपका भुज है। देखिए उसी प्रकार आपका दस नंबर में क्लियर हो जाएंगे। दस नंबर क्वेश्चन पूछे हैं कि निर्देशांक माइनस तीन और माइनस पांच का भुज क्या है। तो देखिए फर्स्ट वाला आपका एक्स हो गया और सेकंड वाला आपका वाई हो गया और आपका निर्देशांक का भुज पूछा है। निर्देशांक का भुज एक्स यानी एक्स का मान आपका माइनस थ्री हो गया, यानी टेन यानी दस नंबर का उत्तर माइनस तीन यानी माइनस तीन आपका एक नंबर यानी दस का उत्तर हो गया ए। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए 11 नंबर में आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, बोल रहे निर्देशांक माइनस एक और जीरो। ओके, माइनस एक और जीरो का भुज क्या है। फिर बोला है निर्देशांक भुज बोला यानी एक्स का मान, तो माइनस एक। देखिए माइनस एक किस में उत्तर है, आपका एक नंबर में आपका उत्तर है। चलिए अब 12 नंबर आपका कोटि पूछा है, बोल रहा है कि थ्री और माइनस एक की कोटि क्या है। निर्देशांक यानी निर्देशांक कोटि माने वाई यानी फर्स्ट वाला एक्स होता है और सेकंड वाला वाई, यानी सही उत्तर हो जाएंगे आपका माइनस एक। तो देखिए 12 का माइनस एक आपको दे रखे दो नंबर, यानी दो नंबर आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर की ओर। देखिए 13 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, बोला बिंदु एक
और दो किस चतुर्थांश के हैं? देखिए एक और दो, इसमें एक दे रखे हैं और इसमें दो दे रखे हैं। ओके, देखिए इसमें भी कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसमें भी कुछ नहीं मतलब प्लस है। ओके, और बोल रहे हैं किस चतुर्थांश में है, तो हम लोग पढ़े हैं कि ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ चतुर्थांश है। देखिए दोनों में प्लस प्लस, तो प्लस प्लस किस में है, यानी फर्स्ट यानी आपका पहला चतुर्थांश है। तो देखिए प्रथम बोल के हैं तो 13 का सही उत्तर हो जाएंगे एक। ओके चलिए फिर आपका 14 नंबर को बढ़ते हैं। देखिए 14 नंबर में बोल रहे हैं 3 और माइनस 1 बोल रहा किस चतुर्थांश में है। देखिए 3 माइनस 1 यानी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्लस और माइनस, यानी फर्स्ट प्लस है और माइनस, देखिए प्लस और माइनस किस में है, प्लस में चतुर्थांश, यानी हम लोग का 4 यानी चतुर्थ चतुर्थांश है। देखिए चतुर्थ है यानी 14 नंबर का आंसर हो जाएगा 4। ओके चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे, बिंदु -1 और 0 किस चतुर्थांश या अक्ष में। देखिए ये तो आपका हो गया x और ये हो गया आपका y। ओके तो देखिए 0 आपका वाई है, ये 0 वाई है यानी आपको माइनस 1 पूछ रहा है, तो माइनस 1 एक्स है यानी आपका एक्स अक्ष में है, यानी 15 का सही उत्तर हो जाएंगे आपका 1 नंबर। ओके 0 का वैल्यू नहीं, 1 यानी आपका एक्स अक्ष है। चलिए फिर 16 नंबर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं कि बिंदु 0 और 4 किस चतुर्थांश या अक्ष में। देखिए ये आपका हो गया x और ये हो गया आपका y, यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं है यानी 4 y अक्ष होना चाहिए। तो देखिए y अक्ष यानी 16 का उत्तर हो जाएगा आपका 2। ओके चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर और यही क्वेश्चन में आपको अंतिम हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन दे रखे, बिंदु 2 और -5 किस चतुर्थांश में है, यानी हम लोग इसके बदले ऐसे लिख सकते हैं प्लस और माइनस। देखिए प्लस और माइनस किस चतुर्थांश में है, प्लस और माइनस आपको 4 चतुर्थांश में है, माने हम लोग लिख सकते हैं चतुर्थ, हम लोग लिख सकते हैं चतुर्थ। ओके आपका यानी 17 नंबर का उत्तर हो गया 4। आई होप गाइज आप बहुत अच्छी तरह से समझे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ओके और आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में चैप्टर नंबर 4 बताने वाले हैं। तो आज यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।